के जांजगीर चांपा में इन दिनों कच्चे महुआ शराब का व्यापार आसमान छू रहा है, जहां आबकारी विभाग की टीम द्वारा कार्रवाई करने के बावजूद भी धड़ल्ले से कच्चे महुआ शराब का व्यापार चल रहा है। जी हां, हम आपको बता दें कि जांजगीर चांपा जिले में आबकारी विभाग की टीम द्वारा लगातार कच्ची महुआ शराब के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, परंतु कार्रवाई के दौरान एक भी आरोपी उनके हाथ नहीं लगते हैं, जिसके चलते कच्ची शराब का व्यापार थमने का नाम नहीं ले रहा। आखिरकार क्या कारण है कि आबकारी विभाग की टीम कच्ची महुआ शराब बनाने वाले व्यापारी को पकड़ नहीं पा रही है, या फिर उन्हें पकड़ना नहीं चाहती? ये बात हम नहीं बल्कि आबकारी विभाग की टीम द्वारा कार्रवाई के दौरान उठ रहे ये सवाल कह रहे हैं। तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर जब हमने आबकारी विभाग के सब इंस्पेक्टर डी के प्रजापति से बात की तो उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा निरंतर कार्रवाई की जा रही है। जांजगीर चांपा से संवाददाता महेश शुक्ला की रिपोर्ट। सर, आज फिर से आज अवैध शराब पे कार्रवाई करने आप टीम के साथ निकले हुए, कौन कौन से जगह से आप अभी छापामारी करके पहुंचे? हमें तो लगातार यहाँ कार्रवाई होती रहती है और ये हमारा रूटीन प्रोसेस है। तो आज जो हमने कार्रवाई किया है, एक पहला गांव का ना मेहंदी का एक डेरा है, वहाँ हमने कार्रवाई किया और वहाँ कार्रवाई करने के बाद लगभग 20 लीटर के करीब आईडी जब्त किया है कच्ची महुआ शराब। और रिस्पेक्टेड कलेक्टर साहब श्री यशवंत कुमार जी के निर्देशन में और हमारे सहायक आयुक्त आबकारी मिस्टर विजय सेन शर्मा, इनके नेतृत्व में हम लगातार कार्रवाई करते रहते हैं। तो ये हमारा इस महीने का पहला कार्रवाई था कमरिद के बन्हा तालाब में, और यहाँ आज हमने काफ़ी मात्रा में इल्लीगल जो आईडी है वो नष्ट किया है। इसमें लगभग 8000 केजी महुआ लान जो जिसे कहते हैं वो नष्ट किया है, और जो आईडी है अवैध जो कच्ची महुआ शराब है वो लगभग 150 लीटर के करीब। सर, लगातार कार्रवाई करते हैं लेकिन कभी भी अपराधी आपके पकड़ में नहीं आता, क्या कहें इस पर? इसमें हमारा दो उद्देश्य है, अपराध को रोकना और अपराधी को पकड़ना। तो अपराध को रोकने के लिए हम नष्टीकरण का प्रोग्राम चलाते हैं। ये जो नष्टीकरण प्रोग्राम है, इसके थ्रू हम उनकी आर्थिक जो इकोनॉमिक सोर्स है उसको नष्ट करते हैं। जैसे उन्होंने तालाब के किनारे, नहर के किनारे, नदियों में सब अपना पास वगैरह छुपा के रखा होता है। तो अगर हमको अपराध को कम करना है तो जिस माध्यम से अपराध करते हैं, जैसे उन्होंने पास डुबा के रखा हुआ है, वो बहुत सारी लकड़ियाँ अवैध वहाँ रखी हुई हैं, अगर इनको जब्ती बना दिया जाए या नष्ट कर दिया जाए तो उसे वो शराब बना नहीं पाएंगे, और अगर शराब बना ही नहीं पाएंगे तो फिर अपराधी रहेगा ही नहीं। तो हमारा उद्देश्य है कि सबसे पहले उनके आर्थिक जो स्रोत हैं उनको नष्ट करना, और उसी तारतम्य में हम दोनों करते हैं। अभी हमने पिछले माह ही लगभग 50 से ज़्यादा लोगों को 34-1, 34-2 में जेल दाखिल भी किया है, और हमारी कार्रवाई में अभी जो शिवनान क्षेत्र है इसमें इल्लीगल शराब बहुत ज़्यादा मात्रा मिल रहा है, तो इसलिए हम लोग कार्रवाई करते रहेंगे लगातार देवरी में, कमरिद में, जितने भी कसबरिया डेरा है, और जहाँ भी ये ऐसा होगा हर जगह कार्रवाई होगा। कार्रवाई के बावजूद भी यहाँ कच्ची महुआ शराब की बिक्री और बढ़ने का व्यापार नहीं हो रहा, क्या कुछ कारण है सर? यह इसे तो खैर कोई डिफाइन नहीं कर सकता कि क्या कारण है। हमारा प्रयास है, जितना हम कर रहे हैं कम संसाधन में और कम स्टाफ के साथ, हमारे पास स्टाफ की भी कमी है और थोड़ा संसाधन भी कम है, फिर भी हम अपनी पूरे 100% दे रहे हैं और फील्ड में को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं। सर, तुसमा के जो दारू भट्टी के पास अवैध चखना संचालित हो रही है और लगातार वहाँ पे गाली गलौज और लड़ाई झगड़ा होता है, इस पर कब संज्ञान लिया जाएगा सर? हमारा वहाँ लगातार कार्रवाई होता है। पहली बात यह है कि जो 50 मीटर के दायरे से बाहर जो चखना सेंटर होते हैं, तो हर व्यक्ति को जीवन यापन का अधिकार है। तो हमारी जो पॉलिसी है कि चखना सेंटर 50 मीटर से दूर हो वो वहाँ पे फॉलो होता है, उसके बाहर उन्होंने लगभग 100 मीटर में लगाया हुआ है। दूसरा, हम जब भी जाते हैं तो उनका जो सार्वजनिक स्थान में शराब पिलाने पर शराब पीने की सुविधा देना, ये 37B(c) का जो केस है वो हम बनाते रहते हैं, तो उसमें खैर ऐसी कोई बात नहीं है कि उन पर कार्रवाई नहीं होती। और वहीं सर, लगातार ग्राम पंचायत जो कटौत है वहाँ भी काफ़ी मात्रा में कच्ची महुआ शराब बनते हैं, इस पर भी कुछ कार्रवाई? जल्द ही कार्रवाई होने वाली है, हम तक जानकारी आई है, ऐसे पहले भी कार्रवाई हो चुके हैं लेकिन हम बहुत जल्दी वहाँ पे दबिश देने वाले हैं, लेकिन विभागीय गोपनीयता कारण नहीं बता रहे हैं। सर, आज की कार्रवाई में कितना कुछ बरामद?
जैसे मैंने पहले ही बताया आपको, लगभग 8000 केजी का ये जो लहन है, महुआ लहन, वो जब्त हुआ है और लगभग 150 लीटर कच्ची महुआ शराब जब्त हुई है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.